हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, टू टेबल स्पून नींबू का रस, वन टेबल स्पून चीनी। अब हम इसको मिक्स करेंगे, हल्का हल्का पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। कभी भी हम जब बेसन का घोल बनाते हैं तो ज्यादा पानी एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो उसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम मिक्स करेंगे। जब आपका बैटर रेडी हो जाए और आप इसको स्टीम करने के लिए या अवन में रखने के लिए रेडी हैं, तब आपको सबसे लास्ट में इसमें 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालना है एंड 1 टेबलस्पून ऑफ इनो सॉल्ट। और ये इनो सॉल्ट अनफ्लेवर है, फ्लेवरफुल यूज नहीं करना है इसमें। वाटर इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे एंड देन मिक्स। इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ये देखिए आगे से कितना फ्लफी हो गया है ये। आपको इनो सॉल्ट डालने के बाद इसको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। और अब अपना ग्रीस किया हुआ पैन लेंगे और इसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया है, इसको हल्का सा इवन कर लेंगे और इसको लिड लगाकर मैं इसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी हाई टेम्परेचर पर। गाइस हमारा ढोकला रेडी है, ये अवन से निकल चुका है एंड आप देख सकते हैं अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन ये देखिए इसने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे से फ्लफी बना है। इट्स वेरी हॉट। तो फ्रेंड्स जब तक ढोकला थोड़ा ठंडा हो रहा है हम अपना तड़का बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन गर्म करेंगे, ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड, 1 लगे हैं आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें करी लीव्स एंड ग्रीन चिली डालना है। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब हम इसमें करी लीव्स एंड ग्रीन चिली डालते हैं।
प्लांट्स ये रेडी हो चुका है। ये हमारी ग्रीन चिली थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर एंड अपना पानी डालेंगे। मैं इसमें एटलीस्ट 1 ग्लास वाटर तो यूज करूंगी ही। जैसे ही इस पानी में बॉईल आएगा इसको हम ठंडा कर देंगे और इसको गैस से उतारने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको कंटेनर से बाहर निकाल लिया है। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है हम इसको पीसेस में कट करेंगे। आपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना फ्लफी है ये। हम धीरे धीरे अपना तड़का इसके ऊपर पोर करेंगे। गाइस, आपको लगेगा इसमें पानी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे पानी अपने अंदर सोक करेगा। तो मैंने इसमें 1 ग्लास वाटर तो यूज किया ही है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और 1 घंटे बाद यू कैन एंजॉय।